नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बीबी पर। मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि मैम हमारा 37वां सप्ताह चल रहा है, कोई कहता है मैम हमारा 38वां चल रहा है, 39वां चल रहा है, 40वां चल रहा है, ड्यू डेट निकल गया है, अभी तक बेबी नहीं हुआ है, तो बच्चा होने का कौन सा सप्ताह सबसे बेस्ट होता है और कब तक बच्चे की डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तब तक आपका बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है, उसके शरीर के सारे अंग बन चुके होते हैं, उसके शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि बेबी की डिलीवरी कब होनी चाहिए। तो जब आपका 36वां सप्ताह ख़त्म हो जाता है और आपका 37वां सप्ताह स्टार्ट हो जाता है तो उस समय आपका बेबी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 38 में हो जाए, 39 में हो जाए, 40 में हो जाए या फिर 41 में हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इनमें से किसी भी सप्ताह में आपका बच्चा होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं का 40वां सप्ताह निकल जाता है, यानी कि ड्यू डेट निकल जाता है, उसके बाद वो टेंशन में आ जाती हैं कि अब क्या करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चे 42वें सप्ताह तक होते हैं, लेकिन दोस्तों नॉर्मली होता ये है कि जब आपका 41वां सप्ताह ख़त्म हो जाता है उसके बाद डॉक्टर 102 दिन 4 दिन और देखते हैं, यदि आपको प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होता तो वो प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि वो इंड्यूस का प्रयोग करते हैं ताकि आपका प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाए। एक तो प्राकृतिक प्रसव पीड़ा होता है जो कि आपको अपने आप होता है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आपका 41वां सप्ताह ख़त्म हो गया है उसके बाद भी 4 दिन लग गए हैं तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आपके शरीर का पूरा कंडीशन देखते हैं, बच्चे का कंडीशन देखते हैं, जो भी टेस्ट करवाने होते हैं वो करते हैं, आपसे कुछ पूछताछ करते हैं, दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं आपका पीरियड कब हुआ था, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पीरियड का जो चक्र है वो कितने दिनों का है, 28 दिनों का है या फिर उससे कम का है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो आपके एवल्यूशन का डेट भी निकालने की कोशिश करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और दोस्तों वो प्रोटीन की जांच करेंगी, इसके लिए वो यूरिन की जांच करेंगी। दोस्तों इसके अलावा आपके बच्चे की स्थिति जानने के लिए, उसका आकार जानने के लिए वो आपके पेट का जायज़ा लेंगे। दोस्तों इसके अलावा वो क्या करेंगे कि आपके योनि यानी कि वजाइना में जो है फिंगर डाल के चेक करेंगे कि आपका सर्वेक्स यानी कि जो ग्रीवा है वो लचीली और मुलायम और प्रसव के लिए तैयार है या फिर नहीं, जैसा भी लगता है उसके हिसाब से वो फिर आपको आगे की तैयारी बताते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें बच्चे की स्थिति देखते हैं और जो भी उन्हें प्रक्रिया करनी होती है सब कुछ करते हैं, और उन्हें लगता है कि स्थिति सब कुछ ठीक है तो थोड़ा वो टाइम और लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एमनियोटिक द्रव्य जो है वो कम होने लग गया है, क्योंकि दोस्तों जब आपका 41वां सप्ताह ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एमनियोटिक द्रव्य जो होता है, पानी की थैली जो होती है, वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए घातक होता है। दोस्तों 41वें सप्ताह के बाद क्या होता है कि आपके एमनियोटिक द्रव्य में मेकोनियम घुलने की संभावना होती है, जो कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ रिसर्च में और सामने आया है कि जब आपका 41वां सप्ताह ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना, अपरा गर्भनाल, वो पहले की तरह काम नहीं करता, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। और शायद ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि ड्यू डेट ख़त्म हो गया है, यानी कि बच्चे की रहने की जो अवधि होती है पेट में वो ख़त्म हो चुकी है और उसका भी समय आ चुका होता है, यानी कि गर्भनाल का जितना समय होता है काम करने का उतना वो काम करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ख़राब होने लग जाता है, यानी कि पहले की तरह काम नहीं करता वो। ऐसा 41वें सप्ताह के बाद होता है, और इससे क्या नुकसान होता है, अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके बच्चे को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपके बच्चे को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर पूरा कंडीशन देखते हैं, उसके बाद वो तय करते हैं कि क्या करना है। अगर आपके शरीर का कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब होता है तो वो सिजेरियन करने का निर्णय लेते हैं, और उन्हें लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो वो कृत्रिम तरीके से प्रसव पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और उसके लिए वो कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे कि आपके योनि में फिंगर डालते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका होता है जिसे कि मेम्ब्रेन स्वीप कहा जाता है, और जब डॉक्टर ये करती हैं तो आपके शरीर में प्रसव वाले हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं और आपको 48 घंटे के अंदर ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाता है। अगर इससे भी बात नहीं बनता तो उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स डालते हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं।
दोस्तों डॉक्टर को जो भी लगता है कि आपके और आपके बच्चे के लिए उचित होगा वो उसके बारे में बताते हैं। तो हो सकता है कि वो 42वें सप्ताह तक इंतजार करें या फिर उसके बाद जो है वो प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करती हैं, तो यही प्रक्रिया होती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आपका ड्यू डेट निकल भी गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना। 42वें सप्ताह तक बच्चे होते हैं प्राकृतिक प्रसव के द्वारा, यदि नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर अपने तरीके से कृत्रिम प्रसव देने की कोशिश करते हैं और आपकी डिलीवरी करवाते हैं। अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है सिजेरियन होता है। और दोस्तों यदि आपका बच्चा 36 वीक से पहले हो जाता है तो माना जाता है कि आपका बच्चा जो है प्रीमैच्योर है। और दोस्तों आपका बच्चा 36वें सप्ताह के बाद कभी भी हो जाता है तो आपका बच्चा मैच्योर होता है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। दोस्तों जिन लोगों का यह सवाल होता है कि हमारा 37वां सप्ताह स्टार्ट हो गया है, हमारी डिलीवरी कब होगी, तो वो इस बात का टेंशन ना लें। जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। दोस्तों नॉर्मली अगर हम इंडिया की बात करें या फिर हम पूरे एशिया की बात करें तो यहाँ पे यह देखा गया है कि नॉर्मली ड्यू डेट से एक सप्ताह पहले या फिर ड्यू डेट के एक सप्ताह के बाद जो है नॉर्मली बेबी हो जाते हैं, यानी कि 39वें सप्ताह में अधिकतर बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों यदि आप 100 महिला को एक साथ इकट्ठी कर दें और आप जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर को डिलीवरी कब होगी, तो नॉर्मली यह देखा गया है कि 39 वीक्स में बेबी की डिलीवरी ज़्यादा होती है, ऐसा दोस्तों रिसर्च हुआ है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 39 वीक्स में आपकी डिलीवरी होगी, यह निश्चित नहीं है। तो आपकी डिलीवरी 37वें सप्ताह के बाद कभी भी हो जाए आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन जब आपका 41वां सप्ताह लग जाता है यानी कि ड्यू डेट निकल जाता है तो उसके बाद आपको जो है प्रसव पीड़ा का इंतजार नहीं करना कि मुझे पेन होगा, मैं तब डॉक्टर से बात करूंगी या फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, जैसा उनको उचित लगेगा वैसा ही करेंगे। तो आई थिंक आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आ गया होगा। आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।